आरव, ये बहुत अच्छा मौका है। अक्षय बिल्कुल अकेला है और कृष्णा भी घर पर नहीं है। तुम जाकर अपने डैड को बिजनेस के नुकसान के बारे में सब कुछ बता दो, जाओ। लेकिन तनिषा चाची, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कभी डैड से झूठ नहीं कहा। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने कृष्णा के नकली सिग्नेचर्स किए हैं, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मैंने कहा ना तुमसे, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, मैं सब कुछ संभालूंगी, जाओ आरव। हाय डैड। बोलो। क्या है ये? डैड, के इंडस्ट्रीज वाली डील में हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये वही डील है जो अपना कृष्णा हैंडल कर रहा था। सच तो ये है कि कृष्णा का ध्यान आजकल बिल्कुल बिजनेस में नहीं लगता। मैं कृष्णा से इस बारे में बात करूंगा। डैड, सच तो यह है कि चाहे कृष्णा ने यह गलती की हो या ना की हो, लेकिन वो हमेशा से ही आपका फेवरेट रहा है। उसके हर मामले में उसको आपने सपोर्ट किया है, और यहां तक कि कृष्णा के घर आने के बाद आपने मुझे हमेशा नजरअंदाज किया है। डैड, जस्ट वन चांस, क्या मैं एक मौका भी डिजर्व नहीं करता एक अच्छा बेटा साबित होने का? लेकिन आज मैं जिम्मेदारियां उठाना चाहता हूं, कुछ करके दिखाना चाहता हूं, और अपने भाई के इस बुरे वक्त में उसका हाथ बटाना चाहता हूं डैड। लेकिन मुझे लगता है कि कृष्णा ही शायद आपका बेटा है। डैड, सच तो यह है कि आप मुझसे ज्यादा कृष्णा पर भरोसा करते हैं। बेटा, बेटा मेरी बात तो, वाह, इतना पुराना तरीका आज भी काम आ रहा है। फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। लगता है मेरे राज करने के दिन नजदीक आ रहे हैं।